माइयों भाई जो थे वो मेरे अम्मी अब्बू के ज़माने के हैं और बेसिकली ऑब्सोल्यूट हो चुके हैं और पुराने इंजन पे नई बॉडी लगाई हुई है। मैंने अच्छा बोला है, मैंने मैंने कहा विंटेज, आप उसको क्या कहते हैं? हुमायूं सईद को विंटेज कह दिया इन्होंने, 59 का मॉडल तो होंगे कम से कम। अच्छा तो उनको रिकंडीशन किया हुआ? मैं नहीं जानती, आप अगला सवाल करें, मुझे फंसा दे आप, मैं आप नहीं चाहते मैं काम करूं और। नहीं मैं चाहता, इससे क्या होगा? अच्छा हुमायूं सईद को आप बुजुर्ग कह देंगे तो वो आपको काम ही देंगे, उनको पता नहीं वो बुजुर्ग है। दिल पे लग जाती है ना कुछ लोगों का, दिल छोटा होता है। बहुत अच्छे आदमी है, मैं उनको बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छे आदमी, बहुत। मेरे अब्बू कहा करते थे हमारे जमाने में एक्टर होता था हुमायूं सईद। तो मैं कुछ मैसेजेस बता रहा हूँ, आपने मुझे बताना है ये मैसेज कौन कर सकता है। आसान होम्योपैथिक सवाल है, बेगम घर पे नहीं है, घर आ जाओ, स्क्रिप्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो बेगम नहीं है, तुम घर आ जाओ, स्क्रिप्ट डिस्कस कर। इसके अलावा कोई और सवाल पूछ सकते हैं? क्यों, खतरनाक है। अरे और सच बोलने की आदत है तो इसी काम का ये बोर्ड लगाया हुआ हमने, ये इसको हमने इसलिए लगाया, पान की पीक फेंकनी है। मुझसे ना हो पाएगा ये, हमसे ना हो पाएगा। अच्छा हिंट्स तो दे, कसौटी खेलते हैं ना मामा? गाइस कसौटी तो खेल लेते, थोड़ा नहीं दीजिएगा गलत जवाब। तो क्या वो हुमायूं सईद है? नहीं मुझे नहीं नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बासी हुमायूं सईद पे कस के यूं किया वो नहीं लग रहा मुझे। तो क्या उनको पैदा हुए 53 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है? मुझे ऐसा मैसेज अभी तक किसी ने नहीं किया। सबूर ने ये कहते हुए कि मुझे ऐसा मैसेज किसी ने नहीं किया सैड फेस बनाया। मुझे बताएं सबूर, सबूर सॉरी, सबूर सबूर सबूर, आप मुझे लगता है वो आपकी फेवरेट एक्ट्रेस है, कह दें। नहीं आपको बुरा लगेगा, बुरा लगेगा आपको, बुरा लगा सकती है। अच्छा ऐसी होनी चाहिए बहने, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए बहने। मेरी बहन तो बस मेरी बहन क्योंकि एक अच्छी एक्ट्रेस है, इसलिए मुझे ओन करते हुए कोई वो दिक्कत नहीं होती। कोई सोशल मीडिया स्टार होती तो शायद। हाँ मैं नहीं, मावरा और उर्वा वाला सीन नहीं है आपका। वो पढ़े लिखे एक्टर्स हैं, पढ़े लिखे इन द सेंस, ये नहीं पढ़ा लिखा तो मैं भी बहुत, मतलब 3-4 डिग्री आए हैं तो उनमें डिफरेंस क्या? आपको लगता है कि पढ़ना जरूरी है एक्टिंग? मुझे नहीं पता इस बारे में, पढ़ के क्या, कौन पढ़ के आया है एक्टिंग हमारे पास? ये आयशा उमर, उन्होंने एक्टिंग पढ़ी एनसीए से। बीबी एनसीए से पढ़ के आई, इतनी मुश्किल से एडमिशन होता है? नहीं नहीं वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत अच्छा काम करती हैं। बुलबुले में तीन तो डायलॉग हैं उनके, टूटी फ्रूटी यार नबील शट अप, बस खत्म हो गए, स्क्रिप्ट खत्म। उनको स्क्रिप्ट भी ऐसी पर्ची पे लिख के देते हैं छोटी सी, आयशा ये लो बेटा पर्ची ले लो, फर्रे नहीं होते डायलॉग के बीच में फर्रा निकालती हैं, शट अप नबील, पैक अप, घर। इसी के 15-20 लाख मिल जाते। आपको किस चीज से तकलीफ है, कम लाइंस पे या इतने पैसों मिल पैसे? देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सूट पहना हुआ है, बाल खड़े किए हुए हैं और इतने बड़े बड़े स्टार से मैं गरीब आदमी इतने कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूँ, तब मुझे इन्होंने 1300 रुपए दिए। बहुत ज्यादा दे दिए मुझे लग रहा है, सारा काम तो मैं कर रही हूँ आगे। सिस्टर दो जो हैं, डीओ जो हैं हमारे पास, जो दो जोड़ी में सिस्टर्स आ रही हैं आजकल, पता नहीं दो क्यों आ रही हैं, मगर जो दो सिस्टर्स आ रही हैं हमारे पास, इनमें से कौन सा ऐसा सिस्टर डुओ है जिसको ग्रूमिंग की अभी भी ज़रूरत है? मैं ऑप्शंस दूंगा आपको, ऑप्शंस दूंगा, आई वॉन्ट लेट यू टेक नेम्स। मावरा और कुकेन, क्या नाम था, मावरा और कुकेन निकल गया, मावरा और आप क्या मतलब, क्या कुकेन से बड़ा कोई आपका लगाव? मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ ना। गहरा जोक, गहरा जोक, गहरा जोक, हैशटैग इमरान खान लिख दो। वो कोकेन नहीं करते, ही इज अगेंस्ट कोकेन ना, बंद करो कोकेन। प्राइम मिनिस्टर है, पता नहीं कौन सा केस बन जाए। ये मैसेज कौन कर सकता है, गंदा मैसेज है। इटली चलते हैं, लोकेशन दिखाते हैं, लोकेशन दिखाते हैं। जब मैंने आयशा से पूछा था, आयशा ने जवाब दिया था, इसका नाम भी लिया था, कौन कर सकता है? अब जब आयशा ने दे दिया, सीनियर एक्टर है तो वो इसलिए सीनियर है ना कि वो नाम ले सकती हैं। हाँ। अरे आप भी नाम ले, शायद कल रातों रात सीनियर हो जाए, नाम ले दे, नाम हाँ, ले क्योंकि आजकल काम से थोड़ी कोई ऐसी चीज निकल जाए उसी से तो रातों रात। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आयशा, आयशा को नहीं कहा मैंने, नाम लिया आपने, ठक करके दूसरा जवाब ये दिया मुझे। बेटा बासित देख रहे हो ना,
आजकल इसी तरह तो मशहूर होते हैं, शादियां कर लो, वीडियो कैप्टन नवीद के साथ वीडियो बना लो, वीलॉग वीलॉग अब आप एक प्ले कर रही हैं शहूद अलवी के साथ। हाँ जी, क्या नाम है उसका? मेरे खुदाया। मेरे खुदाया, ये उनको देख के आपके मुंह से एक्सप्रेशन निकल जाता है, वो मेरे खुदाया। सुरमा लगाया, गंजा आदमी, और हरकतें भी ऐसी। नहीं, वो वैसे भी नहीं करते कुछ। वो शरीफ आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है। तो ये आप शिकायत के अंदाज में क्यों कर रही हैं? वो वैसे भी कुछ नहीं। कभी कभार शरीफ लोगों के साथ काम करते हुए बोर भी हो जाते हैं, लेकिन उनके साथ नहीं हुई। मतलब कुछ मसाला नहीं होता सेट पे कुछ। हाँ भाई, बस इट। तो मसालेदार एक्टिंग करना चाहती हैं ये, मसालेदार शूटिंग होनी चाहिए। ये प्रोड्यूसर्स की मैसेज दिया उन्होंने कि हर शूट में कुछ चार मसाला रख लिया करें। हम शहूद अलवी पे थोड़ा मसाला डाला, फिर उनको मजा आएगा। अच्छा फिर ये बताएं कि लोग आजकल बॉडी ऑल्टर करा रहे हैं सब, अब हर किसी को बॉडी या फेस? मुझे तो मैं बता रहा हूँ ना, बॉडी भी करा रहे हैं कुछ लोग। जावेद शेख साहब ने मुंह लंबा खुद कराया या उनका था? उनका था शायद। था, ठीक है। उनके बेटे का भी है ना, क्योंकि हाँ, सबके लंबे मुंह है। जावेद अंकल, जावेद सर के तो यहाँ मुंह के बाद जिप भी लगी रहे। तो यूजुअली एक महीने के अंदर कितना टैक्स देती हैं आप? तनख्वाह मैंने नहीं पूछी, टैक्स पूछा है। अब ऐसा भी हो सकता है मैं ना देती हूँ तो क्या आप चाह रहे हैं? भाई देख लो। नहीं नहीं, मैं टैक्स पेयर हूँ, प्लीज। टैक्स? हाँ, मुझे सब डर जाते हैं जैसे मैं बासित की तरफ देखता हूँ। अच्छे अच्छे यहाँ पिघल जाते हैं। तो नहीं, आप देती होंगी टैक्स, आपका मसला है, मैं थोड़ी पकड़ूंगा, लेकिन कितना देती है? नहीं पता। अच्छा ये बताएं, ऑन एन एवरेज लाखों का हजारों में करवा देते हैं, फिर हजारों में दे देते हैं। देख रहे हो बासित, कह रही है लाखों का हजारों में कराते कम करा के फिर वो दे देते। जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करता हूँ, ठीक है, अच्छा। जब भी कोई नौकरी करने जा रहा होता हूँ, पहले पता करता हूँ कितने की है। तो अभी पता करना चाह रहा हूँ ना कितने की है, छोड़ के आऊँ या नहीं आऊँ? नहीं, बहुत कमाएंगे, आ जाएं आप। हैं? मैं सिर्फ एक्टिंग से कमाऊंगा या कुछ और जराए भी होंगे? ये आप पे डिपेंड करता है। ऐड कर लिए, एंडोर्समेंट कर ली, हाँ, फिर तो बहुत कमाएंगे। जराए अगर होंगे तो ये तो सिर्फ सामने दिखाने के लिए होगा ना, इससे मार्केट वैल्यू बढ़ती रहेगी आपकी टीवी पे आने से। दूसरे जराए फिर आपसे, आप उसके लिए ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। दूसरे जराए मशहूर, जितने आप टीवी पे रहेंगे, स्क्रीन पे चार्ज करते रहेंगे इसके। दूसरे जराए जिस तरह से आपने कहा है, ये वो जराए लग रहे हैं कि जो मेरी अम्मी अलाउ नहीं करेगी। जो इंटर के बच्चे होते हैं ना, उनको आखिर तक नहीं बताते बच्चे कैसे होते हैं। उनको बोल देते हैं यार ये परी छोड़ के गई है। ऐसी था परी। अच्छा, मैं और हम लोग पूछते थे जब शादी की मूवी देखते थे मम्मा बाबा की, हाँ, तो हम कहाँ थे? हम कहाँ थे? सो रहे थे। सो रहे थे। हम कहाँ हैं? हम कहाँ? जबकि अम्मी अब्बू सोते हैं तो हम आते हैं। तो आप, अच्छा आप तो, आपको तो अब तो पता चल गया है ना कैसे, मतलब क्या है बच्चों का मसला। अब हम सब बड़े हो गए, सबको पता है ये बच्चे आने जाने वाली चीजें। अब बच्चों को भी पता है। ऐसा होता है ना, बच्चों को बोले बेटा परी छोड़ गई है, क्या झूठे अब्बू। क्या हो गया अब्बू, कल क्या कर रहे थे फिर आप? तो आप कितने बच्चे करना चाहेंगे जब आप बड़े हो जाएंगे शादी के बाद? दो? या डू यू वांट, ऐसा होता है ना कुछ लड़कियों को, बहुत मेरे पांच छह होने चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा शौक नहीं है। दो पैदा करना, फिर मैं कहती हूँ थोड़ा आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। पैदा करना थोड़ा आसान है, पालना मुश्किल, बिल्कुल पालना बहुत मुश्किल है। और तो मैं अपनी वैसे भी किटी पार्टीज में इधर उधर बिजी हूँ। कौन सवाल है? आई एम एन अपटाउन गर्ल, आर यू? मैंने ऐसी बोल दिया, खैर आप नहीं है फुल में इतना जौहर की लड़की। घरेलू जौहर की लड़की, क्या क्या करके आ रही है तू, क्या पार्टी चल रही तेरी? अरे फुल लड़की में उठ बैठ रही है तू आजकल। डू यू बिलोंग टू अ मीडिया फैमिली? और ये सिर्फ आप दोनों ही हैं? ये हम लोग हैं। कभी आपकी मेरी अम्मी की तरह आपकी अम्मी ने नहीं कहा बेटा ये सब गंदे लोग होते हैं, इसमें मत जाओ? मामा थिएटर करती थी शादी से पहले, और ये रेडियो। अच्छा तो हाँ, सही तो टच है ना हल्का सा, तो बस वो तब वही करती थी, और वो शादी के बाद उन्होंने कभी नहीं किया। मेरी अम्मी बहुत डरी रहती है, तुम जा रहे हो वहाँ गंदे लोग होते हैं,
सब पीते हैं, माएं डरती हैं, है ना, माएं डरती सब पीते हैं, आप पीती हैं? पानी, पानी डिटॉक्स वाटर, हाँ पीते हैं आजकल काफी। चर्स से कोई शौक, शौक? क्या चीज? चर्स। वो क्या होता है? चर्स क्या होता है? चर्स एक दवा होती है उसको क्या होता है जिसको पीकर हमारे पड़ोसी मुल्क ने दो सुपर पावरों को हरा दिया। आप पी लें इसको एक बार चर्स को, ताकि नुमान एजाज और फैसल कुरैशी को आप शरबत पिला सकें। आपको वाकई में नहीं पता चर्स क्या होती है? नहीं नहीं मुझे पता, पता है ना चर्स? हाँ, कभी ट्राई करें सजल, इसमें बहुत फवाइद है। सबूर सॉरी, अब डांट क्यों नहीं रही है? मैं बार बार सजल कह रहा हूँ आपको, जूते उठाएं, मैं मत मारिएगा तो अंदर तक लगेंगे मुझे जाके। या आपने अब ध्यान दिया, वरना आप पूरा शो ना कर पाते। हाँ। पहले देख लेते। अब आसान सवाल पूछूंगा। पड़ोसी मुल्क से ऑफर आई? मुझे नहीं नहीं आई। मेरे ख्याल से ऑफर तो आप ही को आई थी, फोन सजल ने उठा लिया। हाँ, मैं सबूर बोल रही हूँ। सबूर जी 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 जी, हाँ हाँ मैं कर लूंगी, ऐसा तो नहीं हुआ। इधर से नहीं आई, उधर पड़ोसी मुल्क से क्या आएगी? इधर से नहीं आ रही, कौन है ये लोग जो दो ना ऑफर लेकर आए आपको सबूर से? अच्छा, तो ये था सबूत कि कभी अफगानिस्तान से भी ऑफर नहीं आई? पड़ोसी मुल्क, पड़ोसी, वो भी पड़ोसी ईरान, ईरान से मुझे किसी पड़ोसी से कभी कोई ऑफर नहीं आई। तो आप क्या एक रेगिस्तान में रहती हैं? नहीं, पड़ोसी में नहीं है कोई? नहीं, मैं पड़ोसियों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। पड़ोसियों के हुकूक हैं, दिया करें उन्हें कुछ ध्यान। इंतजार करते रहोगे सबूर आएंगी सबूर आएंगी सबूर आएंगी, आप ध्यान ही नहीं देते। सबूर, सबूर जी बताएंगे घर वालों ने ऐसा क्यों किया? सजल का नाम तो सजल लड़कियों जैसा रख दिया। मेरा पता नहीं। आपको सबूर वाकई में? मैं इसका मतलब भी सब्र करने वाली है, तो मेरे तो बहुत इख्तलाफ रहा है इस बात पे कि यही नाम क्यों मुझे और इसका मतलब भी सब्र करने। हाँ, वाला सबर ही करते रहो। ऐसा होता है कि आपको कोई लोग कह रहे हो या सबूर सबूर है और लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई अंकल आएंगे? नहीं, मुझे वाकई में शुरू में ऐसा लगा मेरे दोस्त सबूर ख्वाजा, जो मुझे कहा सबूर आ रही है, मैंने कहा यार सबूर ख्वाजा क्या हो गए, वो क्यों आ रही क्यों है वो? फिर मैंने, आपको पता नहीं था सबूर एक एक्ट्रेस है? नहीं नहीं, मैं ये बोले मैं अपने शो में आपसे मिल चुका हूं। आपके शो पे मैं मिली थी, आपने मुझे मुंह नहीं लगाया था, अब आप कैसे मतलब किस मुंह से बैठे हैं यहाँ पर? मैं ये दूसरा मुंह लगवा के आया हूँ। ये सस्ता, हमारे पास दो तीन मुंह होते बड़े आर्टिस्ट के पास, ये हम नहीं, ये छोटे मोटे काम नहीं करते, होंठ लगवा ली नाक लगवा ली सीधा मुंह लगवाते हैं लोग। शाज़िया का एटीट्यूड ऐसा है, शी गोज फॉर द एंटायर फेस, not just nose and all little things. अच्छा, और तुम्हें ऑप्शन देता हूँ तो मुझे बताना कि इनमें से सोशल मीडिया पर्सनैलिटी कौन सी सबसे ज्यादा ओवर रेटेड है? सही है, नंबर वन जुनेद अकरम, ओवर रेटेड लगता है? हाँ, मैंने जब भी जिससे जुनेद अकरम का पूछ रहा हूँ ऐसे ही मुंह बना लेता है, जबकि इतना अच्छा काम करता है। हाँ, लेकिन एंटरटेन तो हो जाते हैं। देखते हम कहते हैं कि ओवर रेटेड है, लेकिन देखते तो है ना। और ये जो है नासिर खान जान, मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ। आपको लगता है कि ये जो लोग हैं इन पे हंसना है या इनसे हमदर्दी दिखानी है? नासिर खान जान एंड नुमान, इनको इग्नोर करना है। लोग कर ही नहीं रहे, लाखों फॉलोअर हैं उसके, मैं टैलेंट दिखा दिखा के मर रहा हूँ, कोई पीछे नहीं लग रहा मेरे। बर्थडे विश कराते हैं, पैसे भिजवाते हैं, ये इस शो के जो प्रोड्यूसर हैं वो भी बर्थडे विश कराते हैं उससे फोन कर करके, लाखों रुपया देते हैं उसको। नासिर खान, आज मेरी बर्थडे बाय द वे, कल मेरी बर्थडे, मुझे विश कर। कल ये हुआ था? नहीं, कल ये नहीं हुआ था, हो तो 9 महीने पहले गया होगा। थैंक यू सो मच सबूर, आप आई, आपने इतने अच्छे खतरनाक जवाब दिए हैं, इसका रिजल्ट तो आपको कुछ खुद ही पता चल जाएगा जब फोन आना बंद हो जाएंगे। लेकिन बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा हुआ, पूरा शो जो था ना वो ऐसा गया है जैसे कि बिल्कुल घर में दो दोस्त बात कर रहे हैं, मैं और बासित।